उठ गई हो आज स्कूल तक, पर मैंने मिस कर दिया और कल तो मेरा क्लास था। नहीं, स्कूल आज नहीं गई बिकॉज क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और इसका थोड़ा कोल्ड एंड कॉफ का इशू चल रहा है, तो हमने दो दिन से बारिश भी हो रही है इसलिए स्कूल हमने बंद रखा है। मुझे इस चेयर को उठना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अभी ब्रश कर लो। हेलो गाइस, डांस वीडियो कर रही हूं और ये हमारा चैम्बर है। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है हमारा, अभी थोड़ा आज कलर वगैरह चल रहा है और ये टेबल जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। और अभी ये बैक साइड का जो डिज़ाइन है उसका जो कस्टमाइज कर रहे हैं हम, और ये ऑर्डर पे है और शायद कल आ जाएगा इसका पूरा, उसके बाद इसका काम चालू होगा। अभी शायद दो तीन दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और ये मैंने स्पेशली बनवाया था, टाई का लोगो को दे के फॉल सीलिंग में बनाया था हमारा। और यहाँ पे ये हमारा एक कॉफ़ी काउंटर होगा यहाँ पे, और इस पे रहेगा क्या बोलते हो प्रिंटर वगैरह इसमें रहेगा, और ये हमारा बैठने का टेबल और ये बुक का शेल्फ है। तो चलो फाइनल लुक कंप्लीट होने के बाद हम दिखा देंगे। और ये हमारा अंकल है, और ये जो चैम्बर आपको अभी दिखाया था वो इन्होंने पूरा कंप्लीट किया मेरा चैम्बर। और अभी एक दरवाज़ा था जो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था इसलिए उसका साइड थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं आज। और काकू का नंबर मैं डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को कोई कारपेंटर काम चाहिए होगा तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हम निकल चुके हैं ये ट्यूशन के लिए। अरे कुछ बोलो कि हाँ, ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, और आप अभी फिर मिलेंगे गाड़ी में जाके। हाँ, गाड़ी में। मैं आज सुबह से ब्लॉग भी नहीं आई थी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना हेयर थोड़ा ट्रिम कर रही हूँ। एक्चुअली दो तीन महीने में मेरा हेयर ट्रिम करवाना पड़ता है, तो वैसे मैं उसके लिए सलोन नहीं जाती। जब भी मुझे कोई नया हेयर स्टाइल चाहिए, ये सब चाहिए, तब भी मैं सलोन जाती हूँ। खाम का दो दिन में मैंने बात जाओगे सलोन में 600-700 रुपीज क्यों स्पेंड करना। सो या आई एम ट्रिमिंग माई हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने ट्रिम कर चुकी हूँ। पीछे वाला जो है ना मैंने ऐसे किया था एक्चुअली ट्रिम। यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, यू ट्राई माई टिप्स। ऐसे करो बाल को, फिर लाइक कैसे काटोगे यू सी ना, लाइक जैसे फोल्ड कर लो लाइक दिस, फोल्ड कर ऐसे पकड़ो, देन लाइक दिस एंड चॉप इट। ओके, मैंने ऑलरेडी पीछे वाला कर लिया है, अब ये जो आगे वाले हैं ये थोड़ा ट्रिम करवाना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है क्योंकि मैंने अपना हेयर जो है हाइलाइट्स करवाए थे, और ये हाइलाइट्स जो है ये भी मैंने खुद से ही किया है, मैं सलोन पे नहीं गई हूँ। सो लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दिस एंड ऐसे,
डन हो गया. सी नाइस द आई कैन बी हियर स्टाइलिश टू. हाँ अभी ये वाला भी ऐसे ही पकड़ो, ऐसे इसको सेगमेंट करो यहाँ से. और ये सब मैंने कैसे सीखा, मैंने यूट्यूब से नहीं सीखा. जब मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हेयर कट करवाते हैं ना, तब मैं देखती हूँ, बहुत ध्यान दे के देखती हूँ वो लोग कैसे करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लाइक कॉम क्या यूज़ करते हैं. तो वो सब क्या मैं करती हूँ, खरीद लेती हूँ ऐसे वाले शार्प्स जो कॉम है अच्छा होता है. उनके पास तो भी और यू नो हाईटेक होता है कॉम, यहाँ पे लाइक पिन जैसा कुछ होता है, इससे भी वैसे काम चल जाता है इससे भी. एंड ऐसे पकड़ो और ये जो सीजर है तो अच्छा वाला ही लेना. मेरा जो इसका थोड़ा शार्पनेस कम हो गया. और देख लो ये सिमिलर आ रहा है कि नहीं, देखो मेरा ये सिमिलर आ रहा है. सो आई एम डन. अभी मैं देखूंगी और कुछ कर सकती हूँ कि नहीं. थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सामने भी फेस जैसा काटने का मन हो रहा है, बट आई थिंक आई विल नॉट डू इट, क्योंकि आजकल जो हेयर स्टाइल्स हो रहा है ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, नो फिंस एंड ऑल, फ्रेंच कट नहीं हो रहे. सामने से थोड़ा सा और काट लो क्या ये, फिर मैं जब हेयर चॉपिंग करती हूँ तब थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कर लेती हूँ. थोड़ा और काट लो करके मैं छोटे कर लेती हूँ. एक्चुअली मुझे मन था कि मैं इतना चॉप कर दूँ क्योंकि मुझे आजकल छोटे हेयर पसंद है, बट नहीं करूँगी अगर उल्टा पड़ गया तो. दैट्स व्हाई थोड़ा और छोटा कटना पड़ेगा. अभी तैयार होके निकल गए शाम को परी को ट्यूशन से लाने. उसके बाद मैं अपना योगा क्लास चली जाऊंगी. परी शायद मेरे साथ जाएगी मेरी योगा क्लास में, क्योंकि पार्ट का भी क्लास है, कोचिंग क्लास है. तो आज मैं नहीं करवा रही हूँ कोचिंग क्लास, क्योंकि आज पार्ट करवा रहे हैं. सो उसके बाद योगा क्लास ख़त्म होने के बाद घर में आएंगे, फिर परी अपनी स्टडीज़ के लिए बैठ जाएगी, थोड़ा तो चाय वाय पियेंगे और दैट्स ऑल आवर डे. सो हम अभी आ गए जीबी एरिया में. यहाँ पे जो जीबी हॉस्पिटल है आप सामने देख सकते हो, ये हमारा यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दैट मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे. तो सामने वाला राइट साइड में आप देख रहे हो रोड, सॉरी लेफ्ट साइड में देख रहे हो रोड, उससे जाते हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिख रहे हो हॉस्पिटल का है सारा. तो हमारे घर से ना काफी दूर पड़ता है हमको. सो अभी परी को हमने पिक कर लिया है, अभी हम घर जा रहे हैं. घर जाने के बाद उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, सिट विद हर फॉर स्टडीज. उसके बाद फिर शायद मैं यहाँ पे क्लास में योगा क्लास में उसका एग्ज़ाम है, तो फ्रॉम 12 उसका एग्ज़ाम है. सो इसीलिए जल्दी जल्दी उसको पढ़ाएंगे. टुनाइट्स रेसिपी इज वेज फ्राइड राइस. व्हाट यू आर मेकिंग? हेलो हेलो. ओह एग फॉर द फ्राइड राइस. ओके एंड आई एम डूइंग चॉपिंग सलाद. Told na, wear your socks. This is the last time I am telling you. Wear your socks. But now I am not in the mood to talk. Actually, I am a very moody person. My mood gets on off like electrical switch on off button, no? Like that.
No, I'm not talking anything because I'm not in a mood to talk. And I'm a very, by the way, moody person. My mood gets switch on off button. Very switch on off button. Like electrical appliances switch on off button. It gets very easily, my mood gets very easily off. जा रही हूँ सोने। मैंने पढ़ाई भी कर लिया, डिनर भी कर लिया। लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।